फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सारे मस्त हैं? मस्त है सारे, एकदम आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही है ना? ओके फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह आपका बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है फ्रेंड्स? ओके। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विक्रम है, मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारी रीजनिंग की बेसिक क्लासेस होती हैं, जहां पे जीरो लेवल से लेके अप लेवल तक जाते हैं, ये आपको लगभग बच्चे को पता है, ठीक है फ्रेंड्स? ओके। जो नए बच्चे हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस क्लास में अगर पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो इससे पहले भी वेन डायग्राम का 3 क्लास हो गया, उसको जाके आप जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आके इस क्लास को, आज मैं नया कंसेप्ट ही इसी वेन डायग्राम में शुरू करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सारे एकदम तैयार हैं, अपना औजार हथियार लेके तैयार है, कॉपी कलम लेके तैयार है। आई होप सो आपको आवाज वगैरह क्लियर जा रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, आप लोग मैथ्स की क्लास देख रहे हैं कि नहीं? अभी सर मैम जो ले रही है, बिल्कुल फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है, पूरा एकदम डिटेल पढ़ा रही है, ठीक है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन पूरा करती है, आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला, मतलब ऐसा पढ़ा रही है। तो आप लोग को क्लास जाकर बिल्कुल देखिए, और मैंने अभिषा मैम का टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय अभिषा मैम, ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स टेक्निकल के लिए मनीषा मैम बहुत अच्छे तरीके से फिर से क्लासेस वगैरह शुरू कर दी हैं, और वो अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं पूरा, आपको पता ही है मनीषा मैम खुद ही क्या है, SSC JEE पता है, कोल इंडिया लिमिटेड, तो उनको और अच्छे से पता है मतलब पूरा, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कार सर बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा रहे। वैसे एग्जाम एक्सप्रेस की सारी फैकल्टी ऐसे ही पढ़ा रही है, ठीक है? हम लोग, यही हमारा तरीका ही है, बेसिक से लेके अप लेवल तक पढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप एग्जाम में जाए और अच्छा स्कोर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए, कुछ बच्चों का इंक्वायरी था कि सर SSC JEE के लिए पढ़ाई कर एग्जाम होने वाला। फ्रेंड्स आप हमारा बेसिक क्लास पूरा देखिए, जो उसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, SSC JEE में डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है? और प्रैक्टिस कीजिए, जहां से भी आप टेस्ट लगाते हैं वहां से टेस्ट लगाइए, फिर बताइए, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा रीजनिंग ग्रुप क्या है, हमारा टेलीग्राम में मेरा रीजनिंग ग्रुप क्या है, रीजनिंग बाय विक्रम सर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारा एक मेन टेलीग्राम ग्रुप है जो है एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से, तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो फ्रेंड्स आप सबको पता है पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में हम लोग जो 10 टाइप पढ़े थे वेन डायग्राम के, उसका हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे, ठीक है? आपको हम बताए थे क्वेश्चन देखिए देखिए ऐसे ऐसे होता है, तो आप लोग कल बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट किए थे उसको, बहुत अच्छा लगा। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं एकदम पूरा वेट करते हैं क्लास का, कब क्लास होगा, फटाफट से देखेंगे। बहुत अच्छा स्वप्निल जी, बहुत अच्छा सृष्टि जी, बहुत अच्छा सुनीता जी, बहुत अच्छा सुरेखा जी, बहुत अच्छा आदर्श जी, बता रहे थे कुछ दिन पहले उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो रही, तो कुछ कहें एस्पेक्ट बिलीव जी, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे हैं देखिए, उन लोग धनश्री जी हैं एक, वो भी आजकल आते हैं क्लास लेते हैं। अब फ्रेंड्स आप थोड़ा सा अगर आप देख लिया आपके नाम से अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप मेल है फीमेल है, तो प्लीज माइंड मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, आप सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो देखते हैं, फ्रेंड्स सबका नाम नहीं याद रह पाता इसीलिए, चलिए ओके। अब देखिए ये क्या कहते हैं हम लोग, क्या अब आज क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स कल तक जो हम पढ़े थे ना, वो था हमारे कि वेन डायग्राम में ना आपको ऐसे ही ग्रुप वाइज दे देगा, ग्रुप वाइज दे देगा, और हमको बोलेगा, आपको पूछेगा कि इसमें से ये बताओ कि ये कौन सा है, मतलब कि इसका कौन सा रिलेशन होगा इस डायग्राम में से, बनाओ कि 1, 2, 3, 4 दे देगा आपको सर्कल बना बना के, सर्कल टाइप का जो बता रहे थे आपको, उसमें पूछेगा वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऐसे पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना फ्रेंड्स, यही पूछ रहा था कि नहीं, यही पूछ रहा था, जल्दी से बताइए, यही पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, ठीक है? और अब जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें ना थोड़ा सा अलग तरीका पढ़ेंगे, जैसे लाइक दैट ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए यहां पे देखिए कैसे, अब कैसे वाला पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इंग्लिश हिंदी मैथ 10, 20, 30, 40, 50, आपको ऐसा दे देगा, ठीक है? आपको क्या करेगा, ऐसा दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि आप हमें ये बताएं कि कितने इसमें से बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, इसमें से कितने अच्छे इतने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं मतलब गणित पढ़ते हैं, इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं,
इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आप यहां से देख देख के आपको वो चीज क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, वो सारा चीज सब बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, एक ये हो गया और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट जो है ना फ्रेंड्स, चीज लेते हैं उसी से डायरेक्ट आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? कैसे क्या पढ़ना है, अब देखिए। देखिएगा, ठीक है, अब देखिए यहां, ओके अब देखिए, ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या कहता है कि सर्कल रिप्रेजेंट, देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, सर्कल रिप्रेजेंट किसको? इंडियन। ठीक है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट मेल। ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कुछ बोलिए लाइक दैट, क्या रेक्टेंगल रिप्रेजेंट? टीचर। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में लिख दी क्या? वृत्त किसको दर्शाता है? भारतीय को। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रायंगल बोले तो, अरे क्या ट्रायंगल बोले तो क्या? त्रिभुज किसको? आदमी नहीं, आदमी तो हो गया वुमेन, पुरुष। टीचर बोले तो शिक्षक। ठीक है, गुरुजी। ओके, ये हो गया। देखिए, इस क्वेश्चन का जो तरीका होता है वही आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऐसा लेकर ही बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या पूछता है, इधर ध्यान, किधर है? इधर। अच्छा, आप लोग क्लास में बहुत बच्चे लेट आ रहे हैं आजकल, बिल्कुल भी फ्रेंड्स लेट मत आइए, क्लास टाइम पे आइए। ठीक है, और बहुत कम बच्चे क्यों होते हैं फ्रेंड्स? ये देखने में बोर लग रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम, पता है आपको? अगर मुझे याद है, बहुत इजी टॉपिक है ये, समझे? बहुत इजी टॉपिक है, मुझे याद है कि एग्जाम में देने गया था, उसमें से मैं इस वाले सेक्शन में मैंने आंसर क्वेश्चन गलत कर लिया था। तो बिल्कुल भी इजी मत लीजिए इस चीज को, समझिए अच्छे से। बोरिंग लग रहा है फिर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यही तो चीज है, इसके अलावा इसको क्या करें हम फ्रेंड्स? आप बोलिए कि बोरिंग लग रहा है, जो भी होगा बोलिएगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आते हैं, हमेशा एक दो क्वेश्चन लेके आते हैं, बस आपको फिर इसको समझ लीजिए तो इजी वे में कुछ आंसर देकर चल जाएंगे, नहीं समझेगा तो गलती वलती करके आ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे देखिए क्या होता है, क्या बोला कि वृत्त जो है सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? भारतीय को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट करता है? त्रिभुज पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल, मतलब बोले तो क्या होता है? आयत। गाना है तुझे याद? ठीक है, याद कर ले, आयत की तरह, मतलब क्या पता नहीं उसका क्या मीनिंग ही है, हमको नहीं समझ में आ रहा। आयत की तरह मतलब ये हो गया कि सब चारों कोना को याद कर लिया, पता नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, अरिजीत सिंह आया है और ये, ठीक है, चलिए चलिए, मूवी की बात नहीं है। ओके चलिए, आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शिक्षक को। आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शिक्षक। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऐसे टाइप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइप पूछेगा, कौन सा लेटर, देख लीजिए यहां पे बात को सुनिएगा, कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है किसको? जो सिर्फ इंडियन है, सिर्फ इंडियन है। ऐसा कौन सा लेटर है जो रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ इंडियन है, ना ही टीचर है, ना ही पुरुष है, सिर्फ, अगर बोलो आपको कि सिर्फ इंडियन है, ओनली इंडियन, सिर्फ इंडियन है, ओनली इंडियन, ओनली इंडियन, तो आप इसमें से क्या बताएंगे? बताइए, इसमें से क्या लगेगा? ओनली इंडियन, इसमें से कौन सा? जिन लोग आते हैं वो लोग बताइए, जिन लोग बने एक बार ट्राई कीजिए, बताएंगे तो हम जरूर। ओनली इंडियन को रिप्रेजेंट कौन करता है?
वनली इंडियन को रिप्रेजेंट कौन सा लेटर करता है, जल्दी से बताइए। वनली इंडियन मतलब फ्रेंड्स सिर्फ सिर्फ भारतीय, बताइए कौन सा, कौन सा? तो बोलेंगे सर ए। जिन लोग का भी आया सही है, कैसे? तो देखिए बी क्या हो गया, इंडियन भी है और क्या है ये टीचर भी है, बी इंडियन भी है टीचर भी है, लेकिन सिर्फ ए को देखिए तो क्या है, सिर्फ इंडियन है, सिर्फ इंडियन है। ये दिमाग मत जाएगा सर बी भी तो इंडियन हुए ना, अरे भाई साहब सिर्फ तो नहीं है, यहाँ पे तीन चीज को दर्शा रहा है, तीन चीज, तीन अलग अलग चीज। अब ये सब मत समझने लगेगा फ्रेंड्स कि मेल है तो वो पापा भी होंगे, मतलब क्या बोलते हैं पापा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, नहीं फ्रेंड्स यही डिफरेंस है यहाँ पे, यही डिफरेंस है यहाँ पे। जो आपको लेटर जहां पे जो चीज पूछ रहा है उसी के बारे में जवाब देना है, रिलेशन नहीं निकालने लगना है, रिलेशन इसमें नहीं निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस में रिलेशन नहीं निकालना है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसी को बताना है। यहाँ पे किसके बारे में पूछा फ्रेंड्स, किसके बारे में पूछा, सिर्फ भारतीय। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वही सिर्फ भारतीय दिख रहा है, बाद बाकी हमको यहाँ पे सिर्फ भारतीय में कोई नहीं दिख रहा है, बी भारतीय भी है और शिक्षक भी है। तो आपका क्या है, वनली इंडियन जब पूछे तो क्या है इसका आंसर ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा बताइए वनली टीचर, वनली टीचर मतलब, वनली टीचर मतलब सिर्फ सिर्फ शिक्षक, कौन होंगे बताइए, सिर्फ शिक्षक कौन होंगे, जल्दी बताइए क्या होगा, सिर्फ शिक्षक कौन होगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए, ध्यान यहां से रखना चाहिए, सिर्फ शिक्षक। तो अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ शिक्षक आपके हिसाब से डी, मेरे हिसाब से भी डी, जिन लोगों का आ गया डी बहुत अच्छा। ये देखिए डी, बाद बाकी सब क्या है, बाद बाकी सब क्या है मिक्स है, बाद बाकी सब क्या है इंडियन है, शिक्षक है, क्या बोलते हैं पुरुष है, ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए अब इसी में पूछेगा आपको कि ये बताइए सिर्फ पुरुष, सिर्फ पुरुष कौन है, मतलब वनली मेल, बताइए क्या बताइएगा, वनली मेल कौन है इसमें से, सिर्फ वनली मेल कौन है बताइए जल्दी, वनली मेल, वनली मेल कौन है फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कौन सा होगा वनली मेल, क्या होगा इसमें जल्दी बताइए, वनली मेल इसमें से कौन सा होगा, जो जल्दी बताइए, वनली मेल, मेल इसमें से कौन सा होगा, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, तो देखिए फ्रेंड्स वनली मेल, मेल कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स देखिए वनली मेल में क्या आएगा, जी और ई, जी एंड ई आएगा क्या, जी एंड ई वनली मेल आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा क्या, चलिए वेरी गुड, चलिए अब बताइए कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है जो, कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करता है जो इंडियन हो एंड इंडियन एंड रेक्टेंगल बट नॉट क्या ट्राइंगल, सॉरी इंडियन एंड क्या लिख रहे हैं, इंडियन एंड टीचर बट नॉट मेल, मतलब समझे भारतीय और शिक्षक लेकिन पुरुष नहीं हो, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, इंडियन एंड टीचर बट नॉट मेल, बताइए इसमें कौन सा होगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, जिन लोग का आता है जल्दी से बताइए, जिन लोग का नहीं आता हम बताएंगे आपको, हम किस लिए हैं, हम बताने के लिए तो हैं, हम किसके लिए बताने के लिए, किस लिए हैं हम बताने, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा फ्रेंड, जल्दी बताइए एकदम एनर्जी के साथ, थकना नहीं है किसी को, कोई नहीं थकेगा, कोई नहीं थकेगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए अब देखिए क्या बोला, इंडियन, इंडियन में किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडियन किसके थ्रू रिप्रेजेंट करता है, सर्कल, इस सर्कल को देखिए, फिर क्या बोला टीचर, टीचर कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, टीचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल मतलब आयत रिप्रेजेंट करता है किसको, आयत रिप्रेजेंट कर रहा है किसको,
शिक्षक को आयत रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये और ये देखना है, इस वाले पार्ट को हमको नहीं देखना है, इस वाले पार्ट को हमको नहीं देखना है। इससे क्या पूछा, ऐसे के बारे में बताइए जो टीचर हैं और इंडियन हैं लेकिन मेल नहीं है, तो क्या फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा क्या है दोस्त, बताइए बी होगा क्या। सर बिल्कुल होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर सी का ही नहीं होगा, ए का ही नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स सी क्या है, सी में कौन आगे जा रहे हैं, मेल, सी में मेल भी आ जा रहा है क्योंकि सी क्या है ट्रायंगल के अंदर है। ए में सिर्फ इंडियन हो रहा है, ए सिर्फ सर्कल है तो सिर्फ इंडियन हो गया, लेकिन बी में देखिए यहाँ सर्कल भी है, यहाँ आयत भी है, यहाँ सर्कल भी है, यहाँ रेक्टेंगल भी है, यहाँ पे ये सर्कल का पार्ट भी है रेक्टेंगल का पार्ट भी, इस दोनों में कौन कॉमन है, कौन है, बी ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हमको ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, 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 इसका देखिए मेल टीचर बट नॉट इंडियन, बट नॉट इंडियन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, मेल हो और मेल एंड टीचर हो लेकिन इंडियन ना हो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बबुआ, बताइए जल्दी तरतरी एकदम स्पीड में बताना है इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो लोग बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या आप इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, मेल से कौन ट्राइंगल मतलब त्रिभुज को देखिए, उसके बाद टीचर से कौन, टीचर से दिख रहा है रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत को देखिए। फ्रेंड्स यहां पे देखिए इस सेक्शन में देखिए इस एफ को देखिए, तो एफ रेक्टेंगल में आयत में भी है और त्रिभुज में भी है, एफ आयत में भी है और त्रिभुज में भी है कि नहीं है, बाद बाकी तो यहां से सर्कल मतलब भारतीय भी हो जा रहा है, तो यहां से भारतीय भी हो जा रहा है। तो सिर्फ यहां पे अगर आप डी को देखेंगे तो डी सिर्फ आयत में है त्रिभुज में नहीं है, ई को देखेंगे तो ई सिर्फ ट्रायंगल में है रेक्टेंगल में नहीं है, जी को देखेंगे तो जी भी सिर्फ जो किसमें है ट्रायंगल में है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है, नहीं है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन दिख रहा है, सिर्फ एफ दिख रहा है जो टीचर है, पुरुष है मतलब मेल है एंड टीचर है लेकिन इंडियन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना समझ में आया कि नहीं आया, आया तो हमको तीसरे का आंसर दीजिए। इंडियन मेल एंड टीचर, बताइए ऐसा इसमें से कौन सा लेटर है जो इंडियन भी है मेल भी है और टीचर भी है। बड़ा इजी है फ्रेंड्स, बड़ा इजी है, जल्दी से बताइए इसका कौन सा है, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आप लोग के लिए और कुछ देखते हैं मतलब, और कुछ मतलब कुछ अच्छा चीज देखते हैं, बताइए इसमें से और बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए। क्या फ्रेंड्स आप लोग को इसमें से एक देखिए क्या चाहिए, तीनों चाहिए, जहां पे एक साथ तीनों ऐसा लेटर जो तीनों में कॉमन हो। फ्रेंड्स सी के बारे में क्या ख्याल है, जो सी के बारे में, सी ट्रायंगल में भी है, सी रेक्टेंगल में भी है, सी सर्कल में भी है, सी सर्कल में मतलब सी वृत्त में भी है, सी आयत में भी है, सी त्रिभुज में ही है, सी हर जगह सी ही है, तो इस तीनों में तो यही सी ही कॉमन है ना, सी ही कॉमन है ना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। तो फ्रेंड्स क्या आपको समझ में आया, ऐसे में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक पूछेंगे सिंगल करके, उसमें जैसे कि ओनली टीचर मतलब ओनली इंडियन नॉट नाइदर, ओनली इंडियन नाइदर मेल नॉर टीचर, ओनली मेल नाइदर इंडियन नॉर टीचर, ओनली टीचर नाइदर इंडियन नॉर मेल, तो ऐसे करके फिर पूछेगा किसको
इंडियन एंड टीचर बट नॉट क्या बट नॉट मेल टीचर एंड मेल बट नॉट इंडियन. फिर पूछेगा इंडियन टीचर एंड मेल. तो यही पूछता है आपको, बस इतना ही इसमें से, ऐसा ही क्वेश्चन से पूछता है. इसमें से आपको करेगा एक दो डायग्राम और बना देगा, उससे रिप्रेजेंटेड किसी और को रिप्रेजेंट किसी और को करवा देगा. तो फिर आपको वहां भी बोलेगा कि इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है. तो ये बताओ कि ये लेटर, ये जो आपको इंडियन और मेल और टीचर के लिए कौन सा लेटर रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है. चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको इसमें पूछता है जनरली. ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया? सो बताइए, समझ में आया आप लोग को ये चीज? समझ में जो कंसेप्ट अभी हम बताए, ये जो तरीका बताए, जो नया तरीका डेवलप होता है, वो आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया जो बताइए? समझ में आया कि नहीं आया फ्रेंड्स? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए अब देखिए एक और कंसेप्ट आपको बता रहे हैं. ठीक है, कंसेप्ट क्या, इसी के तर्ज के ऊपर है. अब देखिए उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उसका आपको आंसर देना है. ठीक है, यहां पर देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ओके. अब देखिए ठीक है, इसका नेपाली का मतलब, नेपाली आप समझ जाएंगे, सिंगर मतलब गीतकार, जो गाना गाते हैं, गीतकार ही बोलते हैं ना सिंगर को, गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, वैसे तो जो कंपोज करता है उसको बोलते हैं गीतकार. ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए ना, कलाकार. ओके चलिए, दिख रहा है आपको? अब फ्रेंड्स आप लोग इसमें से हमको बताइए, ठीक है, आप लोग इसमें से हमको ये बताइए कि इसमें से कितने ऐसे नेपाली हैं, कितने ऐसे नेपाली हैं, बताइए कितने ऐसे नेपाली हैं, नेपाली नेपाली बट नॉट सिंगर, बताइए नेपाली बट नॉट सिंगर, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, बताएं इसका आंसर, बताएं जल्दी, बताइए क्या होगा. बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताएं बताएं. ऑप्शन दे दे क्या? ऑप्शन वन 10, ऑप्शन टू 20, ऑप्शन थ्री 40, ऑप्शन फोर 30. बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स. इसका आंसर जिन लोगों का आया 40, ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट. सर 40 कैसे हो जाएगा सर? फ्रेंड्स देखिए, ये 40 नहीं है, ये तो सिंगर वाला ये पूरा हो गया, ये तो कल गया, ये तो चला गया, ये सिंगर वाला पूरा चला गया, ये सिंगर वाला पूरा चला गया, नेपाली बच्चे यहाँ पे 10. फ्रेंड्स ये भी तो नेपाली है, ये भी तो नेपाली है, लेकिन ये आर्टिस्ट भी है. क्या हमको हमें बोला है कि आर्टिस्ट को नहीं देखना? क्या हमको बोला है कि वनली नेपाली? क्या हमको बोला है कि आर्टिस्ट को नहीं लेना है? क्या हमको ये बोला है कि वनली नेपाली को लेना है? बोला है क्या? नहीं बोला है सर, नहीं बोला है सर. तो इसका आंसर क्या होगा? 40. इसका आंसर होगा 10 और 30, क्या होगा? 40. क्या होगा? 40. ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? समझ में आया ये चीज? समझ में आया ये चीज? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलिए दूसरा बताइए. आर्टिस्ट बट आर्टिस्ट, ओके फ्रेंड्स, बट नॉट नेपाली.
बताइए ऑप्शन आर 35 फ्रेंड्स यहां पे 20 कर लीजिएगा 35 20 55 40 चलिए बताइए पता है इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा चलिए बताइए समझ में आ रहा है आर्टिस्ट आर्टिस्ट फ्रेंड 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 यहां पे कर लीजिए 30 ओके यहां पे कर लीजिए 30 तो रुक जाइए फ्रेंड्स एक मिनट रुक जाइए ऑप्शन चेंज कर लीजिए आप आर्टिस्ट बट नॉट नेपाली ठीक है ओके चलिए 35 30 65 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन 75 चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आर्टिस्ट मतलब कलाकार लेकिन नेपाली ना हो कलाकार लेकिन नेपाली ना हो बताइए क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर कौन बताएंगे इसका आंसर कौन बताएंगे इसका आंसर सर सर जी बताइए सर इसका आंसर हो जाएगा 65 कैसे हो गया फ्रेंड 65 सर देखिए आप बोले कि आर्टिस्ट मतलब आप बोले कलाकार लेकिन नेपाली ना हो तो सर इसको हटा दिए इस वाले पोर्शन को पूरा हटा दिए सर पूरा हटा दिए तो सर आप तो ये नहीं बोले ना हमको कि नेपाली होगा तो गीतकार मतलब आर कलाकार होगा तो गीतकार ना होगा ऐसा तो नहीं बोले ना कुछ नहीं ना बोले सिर्फ बोले नेपाली ना होना चाहिए तो सर ये 30 तो है ही साथ साथ में ये 35 भी तो गीतकार है सर सॉरी ये 35 भी तो कलाकार है सर इसी के लिए इस दोनों को काउंट करके क्या हो गया 35 क्या हो गया 35 ओके फ्रेंड्स चलिए अब हमको आप लोग इसका आंसर दीजिए अब आप लोग इसका आंसर दीजिए किसका 30 का सिंगर बट नाइदर नेपाली नॉर आर्टिस्ट ठीक है चलिए ठीक है बताइए इसका आंसर क्या होगा सिंगर बट नाइदर नेपाली नॉर आर्टिस्ट क्या होगा इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स ग्रामेटिकल चीज को थोड़ा सा आप लोग ये कर लीजिए ठीक है वो हम बार बार बोलते रहते हैं क्योंकि कहीं भी मिस्टेक हो जाएगा तो फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ग्रामर का मिस्टेक अरे फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्लास है ठीक है ओके चलिए अब लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर अच्छा हाँ ऑप्शन भी तो देना है ओके देखिए ऑप्शन नंबर 1 10 ऑप्शन नंबर 2 20 ऑप्शन नंबर 3 35 ऑप्शन नंबर 4 60 चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है एकदम जल्दीबाजी में देना जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी करना है ठीक है बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 20 कैसे होगा 20 तो देखिए क्या बोले सिंगर ये वाला सिंगर वाला है सिंगर बोले लेकिन ना ही नेपाली हो ना ही आर्टिस्ट हो ना ही नेपाली हो ना ही आर्टिस्ट हो ये फ्रेंड्स ये देखिए ये पूरा नेपाली ये पूरा आर्टिस्ट तो सिर्फ ये सिंगर वाला जो है 20 ये बचाना सर कि जो सिर्फ सिंगर है ना ही नेपाली है ना ही आर्टिस्ट ये ऐसा सिंगर सिर्फ बीसी है ना ऐसा सिंगर सिर्फ बीसी है ना सर बीसी है ना जो ना ही सिंगर है और ना ही नेपाली है समझ में आया फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया 20 समझ में आया फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स तो ऐसे ही ये क्वेश्चन फॉर्म होता है ठीक है चलिए इसमें आप हमको और आंसर दीजिए यहां पर देखिए फ्रेंड्स इसमें ऐसा कौन सा कितना नंबर कितने लोग हैं फ्रेंड्स जो सिंगर हैं आर्टिस्ट हैं एंड नेपाली कितने हैं ऑप्शन नंबर 1 10 ऑप्शन नंबर 2 20 ऑप्शन नंबर 3 40 ऑप्शन नंबर 4 30 बताइए
कितने ऐसे लोग हैं जो सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और नेपाली भी हैं? ऐसे कितने लोग हैं जल्दी से बताइए, ऐसे कितने लोग हैं बताएं बताएं जल्दी बताएं फ्रेंड्स बताइए। सिंपल सा है सर, ये 40 वाला है ना सर, ये 40 वाला उस तीनों के अंतर्गत आता है। ये 40 वाला जो है सर वो तीनों के, मतलब ऑप्शन नंबर थ्री। जिन लोग का ऑप्शन नंबर थ्री है वेरी गुड, जिन लोग का ऑप्शन नंबर थ्री आया वेरी गुड, जिन लोग का ऑप्शन नंबर थ्री है बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ऑप्शन नंबर थ्री वाले फ्रेंड्स सारे अच्छे, ऑप्शन नंबर थ्री वाले सबका सही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आपका ऐसे इस टाइप में, इस कमेंट में फ्रेंड्स आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सर पूछे जाते हैं। तो देखिए एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन यहां से भी फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेन डायग्राम में एक ऐसा भी क्वेश्चन का फॉर्म होता है। ओके अब देखिए सर, आप तो बहुत बोल दिए कि हाँ ये हो गया, ऐसा हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, फिर सर इसमें और किस टाइप क्वेश्चन बनता है, और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आंसर बनता है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना आपको इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, और भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको चार डायग्राम दे देगा, पांच डायग्राम दे देगा, उसमें से फिर आपको पूछेगा कि ये बताओ कि इसमें से कौन टीचर है, कौन कैसा है, मतलब कौन क्या है, सबसे रिलेशन करके आपको एक चीज दे देगा, और फिर आपको उसके बाद उसमें से पूछेगा कि कौन मतलब क्या है, नहीं है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, लिख देगा स्टेटमेंट पूरा लिखेगा, सर्कल रिप्रेजेंट जैसे आपको लिख पहले ही बताया, सर्कल रिप्रेजेंट ये, ट्रायंगल रिप्रेजेंट वो, उसका से रेक्टेंगल रिप्रेजेंट से, फिर उसके तो और भी दे देगा, स्क्वायर रिप्रेजेंट इतना, अब फिर आपको नीचे बोल देगा इसमें से हु रिप्रेजेंट इंडियन, अमेरिकन एंड नेपाली, और आपको यहां पे दिया रहेगा लेटर, ऐसा दिया रहेगा, उस लेटर में आपको दो दो लेटर भी दे देगा, कभी कभी तीन तीन लेटर कभी दिया रहेगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें जनरली जो आपको फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका क्या करता है जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए फॉर्म करते हैं ये लोग, ठीक है, और इसी से आपको जो है पूरा पूरी क्वेश्चन दबा के इसी में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन का आप यहाँ पे देखिए, और एक और क्वेश्चन में आपको आंसर करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है बता देते हैं, एक और देखिए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, चलिए अब फ्रेंड्स इसमें से आपको यह पूछेगा कि क्या करेगा कि आपको ना इसमें से ट्रायंगल के बारे में बोलेगा कि ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स फ्रूट, ठीक है, मतलब फल। अब बोलेगा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एप्पल, सर्कल के बारे में बोलेगा सर्कल रिप्रेजेंट मिल्क, स्क्वायर के बारे में बोलेगा स्क्वायर रिप्रेजेंट फूड, ठीक है। ये आपको दे दिया मिल्क, फ्रूट, एप्पल, और क्या है भाई, कितना है, एक दो तीन चार, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा, आपसे पूछेगा कि फ्रूट्स, ऐसा कौन सा फ्रूट्स है, मतलब इसे बोलेगा कि ऐसा कौन सा लेटर है जो फ्रूट्स भी है एप्पल भी है, ठीक है, ऐसा कौन सा लेटर है जो फ्रूट्स भी है एप्पल भी है। अब देखिए यहां पर आपको पूछेगा ऐसा कौन सा लेटर है जो फ्रूट्स भी है एप्पल भी है, ठीक है, फ्रूट्स भी है एप्पल भी। अब देखिएगा फ्रूट्स एंड एप्पल, ओके, और आपको ऑप्शंस कैसे देगा, देखिए ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर। अब देखिएगा फ्रूट्स और एप्पल बोला है, फ्रूट्स और क्या बोला है आपको, फ्रूट्स और एप्पल बोला है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शंस क्या देगा आपको, ऑप्शंस क्या देगा वो आपको हम बता रहे हैं। ओके
ई ए बी ऐसे देगा, ठीक है, उसका देगा सी डी सी डी बी, ठीक है, उसका देगा फ्रूट्स और एप्पल है ना, उसके बाद देगा आपको डी ई डी ई सी, उसके बाद आपको देगा ए डी ई सी। अब आपको हमको आप हमको ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रूट्स है एंड एप्पल है, जो करेक्ट ऑप्शन ये बताइए, कौन सा लेटर है जो फ्रूट्स भी है और एप्पल भी है, फ्रूट्स बोले तो फल, एप्पल बोले तो सेब, ठीक है। अब बताइए 1, 2, 3, 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रूट्स भी है और एप्पल भी है, जल्दी बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन सब तो पूछता है, बताइए ऐसे ही क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछता है, बताइए ऐसा कौन सा है जो फ्रूट्स भी है और एप्पल भी, जल्दी बताइए, डिले नहीं करना है, जल्दी बताइए कौन सा होगा, बताएं बताएं जल्दी बताएं, इसमें कौन सा होगा जो एप्पल भी है फ्रूट्स भी है, तारा तारी फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा जो एप्पल भी है और फ्रूट्स भी है, कौन सा है जो एप्पल भी है और फ्रूट्स भी है, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं, बता दिए आप लोग, चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर भी करना शुरू करते हैं, चलिए ठीक है अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब गौर कीजिए ई, फ्रेंड्स गौर कीजिए ई, ई यहां पर आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर भी है और ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, तो ये ई तो सेटिस्फाई किया, ई सेटिस्फाई किया कि फ्रूट्स भी है एप्पल है, उसका क्या रहा है ए, ए देख रहे हैं सिर्फ एप्पल है फ्रूट्स है क्या, नहीं नहीं हुआ फ्रेंड्स, आगे चेक ही नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग, नहीं होगा, एक तो किया इसमें से लेकिन दूसरा लेटर जो कर रहा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। चलिए सी डी बी, सी डी बी, अब देखिए सी के साथ देखिए सी रेक्टेंगल में भी है, सी ट्रायंगल में भी, मतलब एप्पल भी है और फ्रूट्स भी है, सी कर रहा है सर, डी के साथ भी डी कर रहा है, डी रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो अलग भी सर्कल में भी है वो अलग चीज है, लेकिन हमको फ्रूट्स और एप्पल का कुछ है तो डी भी कर रहा है, रेक्टेंगल में भी है ट्रायंगल में भी है, ये भी करेगा, बी के बारे में क्या ख्याल है सर, बी जो है ना फ्रूट्स में नहीं है सिर्फ एप्पल में है, देखिए बी इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल में मतलब इस आयत में भी आ रहा है, ये सर्कल में भी, लेकिन इस आयत में भी तो है बी, तो बी नहीं, बी सिर्फ आयत में है सर, त्रिभुज में नहीं है, मतलब फ्रूट्स में नहीं है, तो ये नहीं क्या, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। चलिए अब चेक करते हैं डी ई सी का, देखिए फ्रेंड्स डी यहां पे है मतलब ये तीनों में है, तो ऑलरेडी ये फ्रूट्स और एप्पल तो होगा ही होगा, अब देखिए सी, सी देखिए फ्रेंड्स सी यहां पे है तो ये ट्रायंगल में भी है और ये रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल मतलब फ्रूट्स भी है और एप्पल भी है, तो डी तो कर रहा था, उसका किसको चेक कर रहे हैं, इसी को चेक कर लिया, सी भी किया, अब ई को भी देखिए ई ट्रायंगल में भी है और रेक्टेंगल, तो ई भी करा, मतलब इसका तीनों करा, मतलब यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है जो फ्रूट्स और एप्पल है। अब यहां पे देखिए डी ई सी तो कर रहा है, डी ई सी तो कर रहा है, एक बार में क्या कर रहा है सर, ए बाहर है सिर्फ फ्रूट्स नहीं है सर, ए सिर्फ एप्पल है, ए सिर्फ एप्पल है, ए नहीं कर रहा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन रॉन्ग, करेक्ट क्या हुआ तीन नंबर ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि इसका तीनों एलिमेंट ऐसा था जो फ्रूट्स और एप्पल में था, ये क्यों बताया आपको फ्रेंड्स, ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे जहां पे एक ऑप्शन एक लेटर उसमें से रहेगा जो उसको वेरीफाई करेगा, लेकिन हमको उस ऑप्शन में जितने लेटर रहेंगे उस सबको चेक करना है, समझ में आया, उस सबको चेक करना है तब जाके हमको आंसर मारना है, समझ में आया ये बात, ये बात किन किन लोगों को समझ में आ गया, समझ में आया ना, तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी आपको फॉर्म होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको फॉर्म होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, समझ में, तो ऐसा भी आपका जो है ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको हम ये चीज एक नया जो टर्म था वो आपको हम ऐसे बताना चाहते फ्रेंड्स, इसमें ही आपको हम कल जो है और भी चीज इसमें ही बताएंगे, ठीक है, उसके बाद से जो है फ्रेंड्स लगभग लगभग आशा रहेगा कि वेन डायग्राम जो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो अगले क्लास में फिर हम लोग इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग हमारा सारा क्लास देखिए, ठीक है, मैथ्स का क्लास देखिए बहुत अच्छा तरीके से अभी मैम पढ़ा रही है, टेक्निकल क्लास देखिए बहुत अच्छे तरीके से मनीषा मैम भी एकदम डिटेल्स में हर चीज क्लियर करके पढ़ा रही है, ठीक है फ्रेंड्स, और मेरा क्लास भी देखिए फ्रेंड्स, हम रीजनिंग का मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया है, ब्लड रिलेशन करवा दिया है, कैलेंडर करवा दिया है, रैंकिंग एंड ऑर्डर करवा दिया है, ठीक है, उसके बाद से क्या डायरेक्शन एंड सेंस करवा दिया है, ठीक है, कुछ दिन पहले डाइस कंप्लीट करवाया, उससे पहले सिलोलिज्म जो कि बहुत ही लगता है कि कैसा चैप्टर, वो भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स रीजनिंग में हम आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, एक समझिए कि आपके किसी भी एग्जाम को जाने के लिए ना आपका एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करवा दिए हैं,
तो फ्रेंड्स वो सब क्लास भी जाके आप देखिए और इस क्लास को तो इसको तो आप कंटिन्यू कीजिए। फ्रेंड्स रीजनिंग बाय विक्रम सर टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मूल मंत्र हमारा क्या है, सिद्धत, सिद्धत को याद रखिए फ्रेंड्स, सिद्धत होगी तो जॉब आपको जरूर मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।